देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। 30 का ये है नजारा, आए दिन होती रहती है शाम। सामने है मनेर थाना और कुछ ही दूरी पर है नगर पंचायत, पर नगर के उपाध्यक्ष फरीद हुसैन खान ने क्या बताया, आइए सुनते हैं उन्हीं से कि क्यों लगता है जाम और क्यों होता है ये टेम्पो का यहाँ पर लाइनों से जमावड़ा। तो आइए फरीद हुसैन खान से सुनते हैं। मनेर में देखा जा रहा है कि आए दिन प्रतिदिन जाम हो रही है, जिसे आए दिन कभी नहीं कुछ न कुछ घटनाएं घटती रही है। हाँ, समस्या तो है और जब समस्या मेरे ख्याल से थोड़ा प्रशासन तत्पर हो जाते, समस्या दूर किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग नगर पंचायत की ओर से जहाँ स्टैंड है वहाँ स्टैंड भी है और हम लोग उनको बराबर जो भी टेंडर लेते हैं या ठिका लेते हैं उनसे ये कहते हैं कि आप वहीं लगवाइए गाड़ी जहाँ हम लोगों का स्टैंड बना हुआ है। बेकार मतलब का हम लोग का लगभग 2 लाख रुपया सालाना किराया चला जाता है और वह बेमसरफ पड़ा हुआ है वहाँ। थोड़ा समस्या ये है कि जो दुकानदार, जो परमानेंट जो लोग दुकानदार हैं, उन लोगों को हम लोगों ने सुझाव दिया था पिछली बार जब जाम हटाने या जो लोग आए थे मिले, उनका कहा गया था कि आप ठेला का व्यवस्था कर लीजिए, ठेला पर आप सब्जी रख के बेचिए, उससे किसी तरह का जाम का समस्या नहीं होगा। इसलिए वो तो मूवेबल होता है, चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो उससे यह है कि परमानेंट कहीं कोई चीज़ रुकेगा नहीं। और ठेला की अगर व्यवस्था हो जाए, अगर सब्जी वाले फल वाले जो है वो ठेला का अगर व्यवस्था कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक समस्या को दूर किया जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम फरीद हुसैन खान। तो मनेर नगर पंचायत पूरी जी जान से मनेर के लिए समर्पित है, अगर साथ नहीं दे रही है तो प्रशासन। अनेक तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं लेकिन अगर मान नहीं रही है तो वो 3-व्हीलर चालक और अन्य वाहन चालक। तो ऐसे में इस सड़क पे वाहन खड़ा करने से क्या कठिनाई होती है, सुनते हैं ये क्या कहते हैं। देखिए, कठिनाई का जो प्रश्न है तो NH30 दानापुर से मनेर और मनेर से बिहटा जो मार्ग है, मुख्य मार्ग तो वही है, मनेर दियारा क्षेत्र, पश्चिमी दियारा के जितने वासी हैं या फिर मनेर बस्ती के लोग जो हैं जाते हैं, मोटरसाइकिल उनके पास हो या गाड़ी हो या पैदल हो, आसानी से तो नहीं पहुंच सकते हैं मेन रोड पर। इसलिए कि मेन रोड से और समझिए कि 20 मीटर पहले से ही जाम लगा रहता है, ठेला लगा हुआ है रास्ता पर ही, फल सब्जी बीच बिक रहा है, तो ये सब तो समस्या है। लेकिन समस्या का निराकरण जो है प्रशासन के बस का चीज़ नहीं है, उसमें आम लोगों का भी सहयोग की आवश्यकता है। प्रशासन के पास तो वही काम नहीं है कि रोज हटावेगा और फिर आप आकर के लगा दीजिएगा, तो इसके लिए जागरूकता फैलाना होगा। और स्टैंड तो नगर पंचायत का अलग बना हुआ है ही, वहाँ लोगों को बताना होगा कि वहीं से गाड़ी पकड़िए, ऑटो को वहाँ लगाना होगा, फिर अतिक्रमण जो कर लेते हैं ठेला वाले उनको समझाना होगा, उसको भी जगह देना होगा। बहुत समस्या है, तो समस्या के लिए साधन भी चाहिए, यहाँ जगह चाहिए। आखिर ठेला वाला जो गरीब आदमी है उसको जीने खाने का रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कहाँ लगाएगा ठेला ही बताइए। उसके साथ भी समस्या है, उसको दुकान मुहैया करवाइए या कोई जगह ऐसा दीजिए। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आप रोड पर लगाए हुए हैं ठेला, या फिर ये कहने से काम नहीं चलेगा कि रोड पर गाड़ी लगा करके और जाम किए हुए हैं, पैसेंजर उठाते हैं। इसमें सबका सहयोग की ज़रूरत है। प्रशासन का काम हाँ इतना है कि प्रशासन सहयोग करे, इसमें पहल सबको करना पड़ेगा और मिलजुल करके इसका निराकरण निकालना होगा। आए दिन होती रहती है दुर्घटनाएं, लेकिन ये गरीब तबके के व्यवसायी ये नहीं समझ पाते कि उनकी ही गलती से जाती है उनकी ही जान, और ऐसे में फंस जाते हैं
मनेर के प्रशासनिक पदाधिकारी और नगर पंचायत के अधिकारी, लेकिन सच ये है कि नगर पंचायत और मनेर थाना को एक बार एकजुट होकर निर्णय लेना होगा, अन्यथा मनेर नगर पंचायत और मनेर थाना आए दिन व्यवस्था को लेकर मनेर के NH-30 पर खड़ा रहेगी, तो ऐसे में कोई न कोई निदान निकालना अति आवश्यक है, जिसको लेकर गंभीर दिखते आए फरीद हुसैन खान। मनेर पटना बिहार से संजय कुमार, ऑल इंडिया न्यूज़।